राजेंद्र सूरी शाख सहकारी संस्था के खाते धारकों द्वारा बुधवार को क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन सौंपकर राजेंद्र सूरी बैंक की जांच को शीघ्र ही प्रस्तुत करने की मांग की गई। विधायक ग्रेवाल द्वारा तुरंत जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोट के दूरभाष पर चर्चा कर ज्ञापन कार्यवाही के लिए भेजा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजेंद्र सूरी शाख सहकारी समिति राजगढ़ की शिकायत मुख्यमंत्री ईओडब्ल्यू प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रमुख सचिव जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त को दी गई थी। साथ ही संबंधित थाना क्षेत्र राजगढ़ में भी करीब एक वर्ष पूर्व सदस्यों द्वारा आवेदन दिए गए थे एवं पूर्व उपायुक्त अमरीश वैद्य के कार्यालय में कई शिकायतें की गई थी। उक्त आवेदनों पर ना ही पुलिस विभाग द्वारा कोई जांच की गई और ना ही संबंधित संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। जिला योजना समिति की दिनांक 15 जून 2019 की बैठक में विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा राजेंद्र सूरी शाख सहकारी समिति राजगढ़ के 19,000 खाते धारकों को उनकी जमा राशि जमा पूंजी की राशि सदस्यों को बैंक द्वारा प्रदान नहीं करने का मामला उठाया गया था, जिसकी जांच जिला योजना समिति एवं धार जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी मंत्रीगण एवं विधायक गण की उपस्थिति में जिला योजना समिति के द्वारा 2 माह में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। अगर 28 अगस्त की शाम तक जांच पूर्ण कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं की जाती तो दिनांक 29 अगस्त को भूख हड़ताल की जाएगी। हम अपने पैसे मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने पैसे मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने पैसे मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने पैसे मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजन सूरी बैंक हाय हाय। राजन सूरी बैंक हाय हाय। राजन सूरी बैंक हाय हाय। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।